नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में, जहां आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा तथा गौठानों के समक्ष चुनौतियों के बारे में। मैं हूं परितोष जायसवाल। अतीत की स्वर्णिम आभा तथा प्राकृतिक सुंदरता से आप्लावित देवधरा है छत्तीसगढ़। सांस्कृतिक संवेदनाओं की लोक गाथा सुनाती वसुंधरा है छत्तीसगढ़। इसी छत्तीसगढ़ महतारी की आत्मा का अनहद राग है यहाँ के वासी। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ की चतुर्दिक प्रगति का प्रण लिया है। इसी प्रण का एक महत्वाकांक्षी कड़ी का नाम है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना रीपा। 2 अक्टूबर 2022 से महात्मा गांधी रीपा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत गौठानों को केंद्र बिंदु बनाते हुए स्थानीय शासकीय एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण उत्पादन एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इसी उपक्रम में गरवा के गौठान स्थापित किए गए, जिसे घुरवा से जोड़ते हुए गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई। और अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अर्थात रीपा की स्थापना की जा रही है। रीपा के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करते हुए उनको अतिरिक्त आय अर्जित करने के साधन बनाना है, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। वर्तमान में गौठानों और उससे जुड़े औद्योगिक पार्कों में आजीविका संबंधित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। अगर योजना के घटकों की बात की जाए तो प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खंड में 2 गौठानों में रीपा स्थापना हेतु चयन किया जा रहा है। तत्पश्चात DPR ब्लूप्रिंट तथा बिजनेस प्लान के आधार पर कार्य किया जाएगा। मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत संरचना शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। रीपा के लिए पंचायत विभाग को जहां नोडल एजेंसी बनाया गया है, वहीं समन्वय के लिए SRLM को जिम्मेदारी दी गई है। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि रीपा क्या है, रीपा योजना के उद्देश्य क्या है, रीपा के क्रियान्वयन के लिए समय सारणी किस प्रकार की है, चर्चा करेंगे कि रीपा के क्रियान्वयन किस प्रकार से होंगे, इसके अलावा बात करेंगे रीपा के समक्ष चुनौतियां कौन सी हैं, रीपा से संभावित लाभ क्या हो सकते हैं, रीपा में ग्राम गौठान समितियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व क्या है, एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे गौठान तथा इसमें सुधार के संक्षिप्त उपायों की भी, तथा अंत में एक सकारात्मक उपसंहार के साथ चर्चा को विराम देंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि रीपा क्या है। छत्तीसगढ़ शासन की सुराजी गांव योजना के तहत ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर गांवों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना की गई है। गौठानों को आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करके महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क या रीपा अर्थात ग्रामीण आजीविका पार्क योजना प्रारंभ किया गया है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क या रीपा योजना के तहत गौठानों को केंद्र बिंदु में रखते हुए स्थानीय शासकीय एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण उत्पादन एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि रीपा योजना के उद्देश्य क्या है। 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती के दिन रीपा छत्तीसगढ़ का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को अपने गांव में ही आय के अन्य स्रोत उपलब्ध करवाकर ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। संक्षेप में कहा जाए तो रीपा योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से आय के अतिरिक्त साधन बनाना सुनिश्चित करना है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा हेतु कौन सी समय सारणी तय की गई है या इसकी टाइमलाइन क्या है। पहला, 15 अगस्त 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की घोषणा की जाती है। दूसरा, 15 सितंबर 2022 तक लगभग सभी जिलों द्वारा रीपा की कार्य योजना तैयार कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा तैयार कर राज्य स्तर पर प्रस्तुतीकरण की गई। तीसरा, 30 दिसंबर 2022 तक गौठानों तथा उद्यमियों को दी जाने वाली गतिविधियों का चयन पूर्ण कर लिया गया। चौथा, 2 अक्टूबर 2022 वह तिथि थी जब महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना रीपा
का वर्चुअल उद्घाटन किया गया तथा स्थानीय स्तर पर भूमि पूजन एवं शिलान्यास हुआ। पांचवा, 3 अक्टूबर 2022 से 15 फरवरी 2023 तक अधोसंरचना विकास, भवन निर्माण इत्यादि का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। छठवां, फरवरी 2023 को रीपा के अंतर्गत क्रेता विक्रेता सम्मेलन किया जाना सुनिश्चित किया गया था, जिसकी तारीख वर्तमान समय तक तय नहीं की गई थी। सातवां, 1 अप्रैल 2023 को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का लोकार्पण किया जाएगा, जिसके साथ ही इन इंडस्ट्रियल पार्कों में उद्यम प्रारंभ कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब एक विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि रीपा का क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा। रीपा के क्रियान्वयन की जानकारी लेने के पहले यह जानना आवश्यक है कि रीपा योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराना है। यह योजना छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके लिए विशिष्ट कार्य योजना तैयार की गई है। पहला, रीपा योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खंड में 2 गौठानों का चयन रीपा परियोजना के लिए किया जाएगा। दूसरा, जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक रीपा में किए जाने वाली गतिविधियों का नियोजन कर एक DPR तथा ब्लूप्रिंट तैयार करके पृथक पृथक बिजनेस प्लान तैयार किया जाएगा। तीसरा, गौठानों में स्थानीय आवश्यकता और बाजारों की संभावनाओं के आधार पर निर्धारित समय सारणी अनुरूप विविध उद्यम स्थापित किए जाएंगे। चौथा, रीपा में ग्रामीणों के आजीविका संवर्धन हेतु विविध अधोसंरचनाएं जैसे सड़क, विद्युत, मार्केटिंग सपोर्ट, प्रशिक्षण, भंडारण इत्यादि शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। पांचवा, उद्यम स्थापित करने हेतु आकांक्षी लोगों का चिन्हांकन कर उनकी पात्रता अनुसार 0% दर पर ऋण लेने की सुविधा प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाएगी। छठवा, रीपा के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा विकास खंड स्तर पर CEO जनपद पंचायत की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। सातवां, गौठानों में रीपा स्थानों हेतु चिन्हांकित क्षेत्र में अलग अलग यूनिट की स्थापना की जाएगी। रीपा हेतु प्रदत्त राशि से न्यूनतम 3 एकड़ क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। आठवां, प्रत्येक रीपा हेतु अधिकतम 2 करोड़ का प्रावधान है। नौवां, गौठान समिति द्वारा रीपा अंतर्गत निर्मित सार्वजनिक अधोसंरचना के संधारण एवं रख रखाव किया जाएगा। दसवां, विपणन हेतु शासकीय एजेंसियों जैसे शबरी, संजीवनी हर्बल्स, बिलासा एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की जानी सुनिश्चित की गई है। इन समस्त चरणों के उपरांत पूर्व निर्धारित 1 अप्रैल 2023 से अर्थात जिस दिन रीपा का लोकार्पण किया जाएगा, गोठान उद्यमिता की नई परिभाषा गढ़ते हुए आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा गढ़ी जा सकेगी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि रीपा में सुधार तथा और अधिक उपयोगी बनाए जाने के सुझाव क्या हो सकते हैं। पहला, गतिविधियों के चयन से पूर्व स्थानीय संसाधनों एवं बाजार मांग का सटीक आकलन किया जाना चाहिए। दूसरा, ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य योजनाओं में उपलब्ध प्रावधान के अंतर्गत फैलाव से ग्रामों में उपलब्ध मानव संसाधन का क्षमता वर्धन किया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है। तीसरा, विभिन्न विभागीय योजनाओं यथा DMF, चिराग सहित स्वसहायता समूहों को प्रोत्साहित कर संसाधनों का विकास किया जा सकता है। चौथा, सक्रिय एवं प्रशिक्षित समूहों को उनकी आर्थिक दृष्टि से वायबल प्रस्ताव के आधार पर बैक लिंकेज को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पांचवा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना हेतु पहले से मौजूद प्राइवेट प्लेयर से तकनीकी सहायता ली जा सकती है। छठवा, उत्पादों के विपणन हेतु FPO का निर्माण किया जा सकता है। ब्रांडिंग एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्लस्टर में उत्पादन प्रोत्साहन किया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है। सातवां, रीपा योजना के जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि बाजार की मांग तथा संभावनाओं के अनुरूप रीपा अंतर्गत उद्योग स्थापित किए जाएं, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। आइए दोस्तों, अब एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि रीपा के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हो सकती हैं। रीपा जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से संबंधित लोगों के कार्य व्यवहार तथा उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। रीपा छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, हालांकि इसके समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं है।
जिनमें से है पहला, अशिक्षा और जागरूकता का अभाव सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, ग्रामीणों में सक्रिय सहभागिता का अभाव दिख रहा है। तीसरा, जिला एवं राज्य स्तरीय कठोर नियंत्रण की संभावना से द्वैध शासन की पुनरावृत्ति की आशंका है। चौथा, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के चक्रव्यूह में दम तोड़ती शासन व्यवस्था। पांचवा, जन प्रतिनिधियों तथा प्रशासकों में स्वहित हेतु निर्मित गठबंधन का होना। छठवां, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों विशेषकर महिलाओं के लिए समुचित प्रशिक्षण का अभाव। सातवां, रीपा सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों में एकरूपता का अभाव तथा आंशिक प्रचार प्रसार। आइए दोस्तों अब एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना 2023 अर्थात रीपा से होने वाले लाभों के बारे में। पहला, रीपा योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इस योजना के माध्यम से महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर गांव के स्वावलंबी बनने के सपने को पूरा किया जा सकेगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई इस योजना के अंतर्गत गोठानों को आधार बनाते हुए बेरोजगारी तथा गरीबी को कम करने में सहायता मिल सकेगी। तीसरा, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों की स्थापना का प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से रोजगार तथा आय के अतिरिक्त साधन सुनिश्चित किए जा सकेंगे। चौथा, राज्य के गौठानों को रीपा योजना के माध्यम से इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों के माध्यम से ग्रामीण न केवल सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि राज्य का भी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। पांचवा, रीपा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लघु वनोपजों के प्रसंस्करण तथा लघु उद्योगों की स्थापना से अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की बढ़ोतरी होगी। छठवा, रीपा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोका जा सकेगा तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। सातवां, रीपा योजना के माध्यम से गांव स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ग्रामीण विकास के माध्यम से प्रदेश का विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। आठवां, रीपा के माध्यम से गांव के उत्पाद का वैल्यू एडिशन कर लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रीपा में ग्राम गौठान समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों पर। पहला, उद्यमिता की संभावना वाले युवाओं या स्व सहायता समूहों का चिन्हांकन करना तथा रीपा में उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा, रीपा तथा अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए उद्यमियों की सहायता करना। तीसरा, ग्राम स्तर की आवश्यकताओं की मैपिंग करना। चौथा, इच्छुक उद्यमियों की सूची तैयार करना। पांचवा, चयनित उद्यमियों को प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास करना। छठवा, विकास खंड समिति के साथ समन्वय तथा रिपोर्टिंग करना। सातवा, ग्रामीण औद्योगिक पार्क अंतर्गत लंबी अवधि के लीज पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। आठवां, ग्रामीण औद्योगिक पार्क में दैनिक समन्वय एवं रखरखाव, सुरक्षा तथा सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना। अब एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये गौठान क्या है तथा इसमें सुधार के संभावित सुझाव क्या हो सकते हैं। सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों का निर्माण किया गया है। गौठानों में बहुत से स्टेक होल्डर्स की सहभागिता से गौठान प्रबंधन तथा विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गौठानों में पशुओं की नियमित उपस्थिति, चारा व्यवस्था, कंपोस्ट उत्पादन एवं अन्य आजीविका मूलक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब देखते हैं कि गौठानों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कौन से पहल किए जा सकते हैं या किए जाने चाहिए। पहला, गौठानों का निर्माण ग्राम के निकट ही किया जाना चाहिए। गौठान स्थल के चयन में चारागाह हेतु क्षेत्र की उपलब्धता, प्रमुख पहुंच मार्ग आदि विषयों का विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। दूसरा, गांव में उपलब्ध पशुधन की आवश्यकता के दृष्टिकोण चारा उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त क्षेत्रफल का चारागाह तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास होना चाहिए। तीसरा, गौठान में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन हेतु कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। चौथा, गौठानों में चारे की वर्ष भर व्यवस्था
सुनिश्चित करने हेतु फसल चक्र का उपयोग करके चारा प्रबंधन की व्यवस्था को पुनरीक्षित किया जा सकता है। पांचवा, गौठानों की संरचना अंतर्गत निर्माण कार्य में विशेष रूप से पशु शेड, उपचार कक्ष, पशुओं के बैठने हेतु पक्के प्लेटफॉर्म की व्यवस्था, बूढ़े तथा अशक्त पशुओं के लिए पृथक शेड आदि की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। छठवां, ग्राम सभा में ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे नियमों को पारित करना जिसमें ऐसे पशु मालिकों को दंडित करने का प्रावधान हो जिनके पशुओं द्वारा फसल हानि की गई हो। सातवां, अनियंत्रित पशु प्रजनन को रोकने के लिए अवांछनीय नरों का संपूर्ण बधियाकरण किया जाना चाहिए। आठवां, पशुओं की संख्या के आधार पर चरवाहे की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा चरवाहों को संपूर्ण वर्ष के लिए नियुक्त कर निश्चित मानदेय देने पर भी विचार किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार ग्राम स्वराज का मूल आर्थिक दर्शन आत्मनिर्भर गांवों में निहित है। इसी कथन को चरितार्थ करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी NGGB को लागू किया था, जिसके तहत इन चारों के संरक्षण पर बल दिया गया। सुराजी गांव की अवधारणा में सर्वप्रथम गांवों में गौठान स्थापित किए गए। इसके पश्चात गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई। अब ये परिकल्पना भी की गई है कि ग्राम पंचायतों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा नामक विकेंद्रीकृत उत्पादन सेवा तथा असेंबली इकाई की व्यवस्था की जाएगी, जिसके माध्यम से ग्रामीण जन प्रति वर्ष अतिरिक्त सम्मानित आय प्राप्त कर हर्षित जीवन जी सकेंगे। गांवों को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कुटीर उद्योगों के माध्यम से गांव में ही आय और रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। गांव उत्पादन का केंद्र तथा शहर विपणन का केंद्र बने। गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में विकसित करने का संकल्प और ग्रामीणों में जगे उत्साह इस बात के प्रमाण है कि ये पार्क गांवों में उत्पादन का केंद्र तथा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। रिपा से संबंधित इस दस्तावेजीकरण को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।